खाओ बनाओ 96 यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पे मैं खाने की वीडियोस बनाता हूँ। आप लोग सभी मेरी रेसिपी को अपने घर पे ट्राई कीजिए और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कमेंट कीजिए। थैंक यू। हम लोग बनाने वाले हैं वेज अक्खा नूडल्स। आप लोगों को थंबनेल से पता चल गया होगा, हम लोग ये यूज करेंगे और बहुत सारे वेजिटेबल्स यूज करेंगे एंड हम लोग सेजवान नूडल्स ही बनाएंगे। सारे टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा आप लोगों को, कैसे आप लोग होटल जैसा खाना घर पे ही बनाएं। तो इंग्रेडिएंट में हम लोगों के पास पत्ता गोभी है, शिमला मिर्ची है, बीन्स है, स्प्रिंग अनियंस है और कैरेट है। एज इट इज चाइनीज डिश तो हम लोगों को थोड़ा सा ब्लैक पेपर लेना पड़ेगा, ग्रीन चिल्लीज, जिंजर एंड लहसुन। लहसुन आपको 5 से 6 लेना है। सो गाइज, ये सारे वेजिटेबल्स को हम लोग को अच्छे से कट करना है। उसके पहले हम लोगों को हमारा नूडल्स उबालने के लिए हम लोग को पहले 1 लीटर पानी डालना है। 1 लीटर पानी में हम लोगों को थोड़ा सा नमक ऐड करना, ऑयल ऐड करना है। उसके बाद हम लोग इसमें अपना नूडल्स ये कर देंगे, भिगा देंगे और थोड़े टाइम चलाने के बाद हम लोग को निकाल देना है। पे है और हमारी कढ़ाई भी गर्म हो चुकी है। हम लोग को तेल ऐड करना है। दोस्तों आप लोग भी ऐसे ही सेम करना, अच्छे से मिक्स कर लेना, ठीक है। इसमें सबसे पहले जाएगा, मैंने जैसे कटने के लिए बोला था वैसे मैंने काट के रखा, सबसे पहले जिंजर, फिर गार्लिक, ग्रीन चिल्ली। हम लोग इसको स्लाइटली मिक्स कर लेंगे, सॉटे कर लेंगे। इसमें हम लोग के वेजिटेबल जाना स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि ये चाइनीज डिश है। हम लोग को सब काम कोई करना है, अनियन भी आप लोग को डालना है। हम लोग का नूडल्स ऐसे ही नूडल्स है, नहीं वेजिटेबल्स ऐसे हम लोग को भून लेना है और इसमें हल्का सा हम लोग को नमक डालना है। इसी स्टेज पे फ्लेम मैंने स्लो कर लिया है। अभी मैं सारे इंग्रेडिएंट डालने के बाद फिर जाके फ्लेम हाई पे डालूंगा। वेजिटेबल अपने अकॉर्डिंग टू डैट आप लोग ज्यादा कम कर सकते हो, देख लो। ये कि हम लोगों को हमारे सॉसेस ऐड करने, सबसे पहले सोया सॉस जाता है ऑलवेज चाइनीज डिश में। हमने सोया सॉस ऐड कर लिया है। इसकी जो क्वांटिटी रहेगी वो टीस्पून रहेगी, 1 टीस्पून। मेरा रेड चिल्ली पाउडर, आई मीन रेड चिल्ली सॉस और थोड़ा सा विनेगर। ये सेजवान नूडल्स है, आई मीन अगर आप ये ऐड कर रहे हो तो ये सेजवान नूडल्स बन जाएगा, अगर आप सेजवान ऐड नहीं कर रहे हो तो ये अक्खा नूडल्स बन जाएगा। मैं फिलहाल के लिए सेजवान की भी रेसिपी आप लोग को मिलेगी जल्दी। तो हम लोग गैस का फ्लेम थोड़ा सा हाई रहेगा, अच्छे से हम लोग मिक्स कर लेंगे। इसमें हम लोग को थोड़ा सा अजीनोमोटो डालना पड़ेगा और इसी टाइम हम लोग को थोड़ा सा ब्लैक पेपर डालना है। अजीनोमोटो से चाइनीज के डिशेस जितने भी हैं वो अजीनोमोटो से ही बनते हैं, उनको जैसे चाइनीज का स्मेल आता है, आई मीन टेस्ट आता है। तो ये हल्का हल्का सॉटे करूंगा मैं। ये हम लोग के वेजिटेबल्स हो गए हैं, ये हम लोग को हमारा नूडल्स ऐड करना है। तो हम लोग नूडल्स ऐड कर देंगे। अभी ये ऐड करके हाई फ्लेम पे हम लोग को इसको अच्छे से बनाना है। ये स्टेज पे हम लोग थोड़ा सा इसमें नमक भी ऐड करेंगे, नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप लोग ऐड करना, ज्यादा नहीं। तो थोड़े से स्प्रिंकल ऑनियन भी मैं डाल रहा हूँ।
और ये पलटे से आप देखोगे इसका स्लोली स्लोली चेंज हो जाएगा। अगर हम लोग मक्खन नूडल्स बना रहे हैं तो हम लोग को सेजवान स्किप करना है, हम लोग को सेजवान बनाना है, तो हम लोग को अभी आप लोग देखोगे तो उसका पूरा जो कलर था चेंज हो गया। नूडल्स जैसे कि देख रहे हो आप लोग रेडी हो चुका है, इसको खाने के लिए हम लोग रेडी हैं। आप लोग देखिए कैसे ये कोई शोकेस वीडियो नहीं, आप लोगों को तो पता ही है जेन्युइन वीडियोस बनाता हूँ मैं। आपके पूरे नूडल्स अलग अलग लग रहे हैं कहीं से भी आप उठाओगे। यहाँ भी हमारे सेजवान और ये मैं, तो हम लोग गाइस रेडी हैं खाने के लिए। और आप लोग को मैं जेन्युइन फीडबैक दे रहा हूँ अगेन, इसको मैं सेजवान के साथ खाऊंगा। ये मुझे नहीं लग रहा है कि घर पे बनाया हुआ है, आप लोग डेफिनेटली ऐसे बनाओगे तो आप लोगों को भी ऐसे फील आएगा। एक मैं विदाउट सेजवान का खाता हूँ, सारे वेजिटेबल पक गए हैं, सब्जी की तरह भी नहीं पके हैं, अच्छे पके हैं। तो गाइस आप लोग ट्राई कीजिए ये रेसिपी अपने घर पे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।